मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आ जाइए। ठीक है, कहाँ तक हुई थी सुबह की क्लास में? अब वो कॉलम का क्वेश्चन जो कराया जा रहा था, थोड़ा सा उसको बता दीजिए आप लोग। नेट की प्रॉब्लम की वजह नहीं, ऐसा किसी को कोई बात नहीं है, किसी को कोई डांटता नहीं है। ठीक है, चुप रहेंगे। आप बहुत डांटते हैं। कॉलम में कल जो सुबह क्वेश्चन कराया जा रहा था वो बता दीजिए कहाँ तक हुआ था, थोड़ा सा उसके आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर सीधा अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। रागनी जी बताइए कहाँ तक हुआ था? टू फाइंड पी यू का मान कैलकुलेट हो गया था 1.5 इंटू लोड। ठीक है, मान क्या आया था 1.5 इंटू, कैलकुलेशन करने पे क्या आया था? 1650 इंटू 10^3 न्यूटन। मान क्या आया था आप लोग बताइए? कहाँ चले लोग शेयर कर रहे हैं? आज क्या है, संडे का आनंद लिया जा रहा है क्या? बोलिए आप लोग, क्यों बोल क्यों नहीं रहे हैं? चलें क्या हम? शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सब लोग। लाइव आ जाइए सब लोग, शेयर कर दीजिए। लोड तक निकल गया था, लोड निकल गया था। उसके बाद कहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे? उसके बाद हमें साइज कैलकुलेट करनी है कॉलम की। फार्मूला कॉलम का क्या बताया गया है, बताया नहीं गया है? क्लास क्वेश्चन कराया जा रहा है तो बता दिया जा रहा है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? 0.4 कैलकुलेट करके 0.4 एफ सी के इंटू ए सी सी प्लस 0.67 FY ASCK। ठीक है, फार्मूला होता है। ठीक है, कंक्रीट का क्या होता है? स्थिरांक FCK से डिनोट किया जाता है और उसके साथ कंक्रीट का एरिया और FY स्टील का अनुज्ञेय प्रतिबल होता है और उसके साथ उसका स्टील का एरिया। ठीक है, वही चीज फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। 0.4 गुणे FCK का मान क्या था? 20 था। FCK का क्या मान था? FCK का मान 20 इंटू ACC का मान क्या हमने निकाला था?
एसीसी का मान हमने निकाला था 0.99 AK, यही ना, यही कैलकुलेट किया था, प्लस प्लस 0.67, 0.67 FY का मान क्या था 250, FY का मान 250 और 1% क्या माने थे एरिया ऑफ स्टील 0.01 into AK। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, P का मान क्या दिया है, P का मान क्या आया था 2475 into 10^3, वही चीज 2475 into 10^3, 10^3 कैलकुलेट करने के बाद बता दिया गया 7.92 A प्लस 1.67 AK। सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करके बताइए, ठीक है, सॉल्व करके बताइए दोनों को क्या आएगा, ये 7 point something आ रहा है किस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 9.60 into 1 किसके बराबर होगा 2475 into 10^3, 2475 into 10^3। क्वेश्चन में FY बराबर 415 है क्या, अगर FY बराबर 415 है तो यहाँ पे मान अलग हो जाएगा, FY का मान क्या हो जाएगा 415। ठीक, अगर क्वेश्चन में 415 है तो ये कैलकुलेशन गलत मिस्टेक होगी, क्या आएगा यहाँ पे फिर, ये कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है 0.67 into 415 into 0.01 A करिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा 0.67, ये पीछे की इक्वेशन का क्या मान आएगा ये बता दीजिए, सार्थक जी कैल्सी ले जा सकते हैं, कैल्सी वेल्सी का मैकेनिक्स सोम आरसीटी इन जैसे सब्जेक्टों में सब आप कैल्सी ले जा सकते हैं, मान क्या आया 2.2.78 into AK, दोनों को ऐड कर दीजिए क्या मान आएगा, क्या मान आएगा, टेन पॉइंट समथिंग आ गया ऐड करने के बाद, ठीक है 10.70 आ गया, तो यहां से A का मान क्या निकल गया 2475 into 10^3 डिवाइडेड बाई 10.70 के हो गया 10.70। कैलकुलेट कर दीजिए क्या मान आएगा कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद क्या मान आएगा बता दीजिए, कैलकुलेट करने के बाद क्या मान आएगा जल्दी से बताइए, 23.08 देख लीजिए कमेंट में अलग अलग आंसर आ रहा है, अनमोल जी आपका आंसर कुछ गलत दे रहा है, लिख रहा है 4 बाबू का कुछ है, धनराज का कुछ और है, धनराज आप अपना आंसर चेक करिए फिर से, 23.08.41 mm नहीं होगा, mm स्क्वायर होगा, एरिया की बात हो रही है तो एरिया का मात्रक क्या होता है mm स्क्वायर होता है, जब अगर मात्रक आप लिख रहे हैं तो मात्रक के साथ मात्रक पूरा लिखिए, mm स्क्वायर, एरिया किसमें होता है, ठीक है ये, तो इसके बाद हम सेक्शन को क्या मान लेंगे, हम खंड को कैसा मान लेंगे, खंड को हम मान लेंगे स्क्वायर, ठीक है हम खंड को स्क्वायर मान लेंगे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए इंटू ए के, ए इंटू ए के होता है, तो ये मान लेंगे बराबर किसके,
जो कॉलम को हमने मान लिया, कॉलम को किस में मान लिया, स्क्वायर शेप में मान लिया, तो ये मान 2313 08.41 क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर। तो यहां से क्या हो गया, ए बराबर रूट में आंसर चला जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में वैल्यू जाएगी 2313 08। ठीक है, ये मान है, कैलकुलेट करके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं शिवानी जी, 10.7 सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप दशमलव के दो अंकों तक लीजिए, ठीक है, 480 आ गया, ठीक है 480 आ गया, 480.94 mm। तो कॉलम की भुजा पता चल गई, कॉलम की भुजा पता चल गई क्या, 480 mm की ये हो गई, 480 की ये हो गई, 480 की इधर, 480 की इधर, स्क्वायर माने तो। लेकिन ये क्या है, राउंड फिगर में इसे कर लेंगे, राउंड फिगर में इसे क्या मान लेंगे, 500 mm, सेज कह सकते हैं, सेज 500 mm। तो कॉलम की साइज क्या हो गई, 500 mm गुड़े 500 हो जाएगा। अगर हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और थम्स अप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और थम्स अप कीजिए। कुछ स्टूडेंट हमारे लाइव बने हुए हैं, डेली क्लास देखने को मिलता है, जैसे चांद बाबू हो गए, धनराज हो गए, रागनी, शिवानी, अनमोल, ये कुछ स्टूडेंट है, रेगुलर रहते हैं। जी जी श्रद्धा यादव भी, संतोष, ऋषभ जी, सारे लोग ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है, हो गया कॉलम की साइज ठीक है। अब डिजाइनिंग की प्रोसेस हो जाएगी, आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको एक रफली दे दिया गया, एक रफली दे दिया गया, आपको समझ में आ गया चीजें, जब कॉलम कराया जाएगा आगे आपको क्या करना है, आगे के क्वेश्चन में स्टेप में क्या है, हम कॉलम की अब एक्चुअल साइज क्या हो गई, 500 गुड़े 500, यही ना, 500 गुड़े 500 हो गई, इसका एक्चुअल एरिया क्या हो गया, 5×25 × 10^4, ठीक है, इस एरिया का 1% माना गया है, तो ए या सी का एरिया क्या होगा, 1% ऑफ इसका टोटल एरिया का, तो 0.01 × 25 × 10^4 क्या मान आएगा, ए एस सी का, ए एस सी का मान क्या आएगा, ठीक है, ठीक है, अब हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब हम इसको और क्लास जब रेगुलर चलेगी, आगे बढ़ेगा, तो हम वहां पे आपको कराएंगे, आप एकदम बिंदास रहिए, सारी चीजें उसी तरीके से होगा, ठीक है, आप एकदम परेशान मत होइए, समय रहते ही सारी चीजें कर दी जाएंगी। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन, एकल प्रबलित कंक्रीट खंड की प्रॉब्लम, ठीक है, की प्रॉब्लम पे बात कर की जाएगी। सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन किसे कहते हैं, समझ लेते हैं, सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन जब किसी धरन में संपीडन क्षेत्र में नहीं तनन क्षेत्र में इस्पात का प्रयोग किया जाए, जब किसी धरन में तनन क्षेत्र में इस्पात का प्रयोग किया जाए, तो उस प्रकार के खंड को हम सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन कहते हैं, एकल प्रबलित कंक्रीट खंड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी पे तो उसी के स्टेप वाइज हम आज कैलकुलेशन को देखते हैं, स्टेप वाइज कैलकुलेशन को देखते हैं। पहला कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके स्टेप देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, गिवन डाटा, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, गिवन डाटा। स्टेप सेकंड की बात करते हैं, स्टेप सेकंड
टू फाइंड यक्स यू मैक्स या यक्स यू लिमिट कह लीजिए, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं, सी एन ए के नाम से जान रहे हैं, सी एन ए के। ठीक है, सारी चीजें एक जगह लिख लेते हैं। ये कॉलम समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया जी, ये प्रॉब्लम थी पहले की, किसी की बता दिया गया था। ए प्लस ए, अरे ए प्लस ए नहीं होता धनराज जी, ए कॉलम स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए होता है कि नहीं? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का मान बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर ना। चलिए टॉपिक पे आते हैं, सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन के। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, जैसे चल रहे हैं चलने दीजिए। ठीक है, टू फाइंड एक्सयू, कौन कौन से फार्मूले बताए गए हैं फॉर एफई 250 के लिए, क्या बताया गया था एफई 250 के लिए, बताया गया था एक्सयू मैक्स बराबर क्या बताया गया था, 0.53 इंटू डी। ये स्टेप मार्किंग इसलिए करा दिया जाता है कि इक्वेशन आप लोगों को, सवाल किसी तरीके का हो, आप क्वेश्चन करा कर लें आसानी से। या फिर 415 के लिए XU max बराबर क्या होगा, XU max बराबर 0.48 इंटू डी। ठीक है, तीसरा क्या है, फॉर FE 500 अगर दिया हुआ है तो XU max बराबर क्या होगा, XU max बराबर 0.46 इंटू डी। ठीक है, इतना हो गया। स्टेप सेकंड, सारी चीजें स्टेप वाइज समझा दी जा रही हैं, एक आप नोट्स बनाते चलिए। स्टेप थर्ड टू फाइंड XU, टू फाइंड XU, क्या टू फाइंड XU, XU का मान कैसे निकलेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं स्टेप के अकॉर्डिंग, टू फाइंड ANA है ना, ANA को हम कैसे निकालते थे, CU बराबर TU। कल CU का मान निकाल के बताया गया था, कल CU का मान बताया गया था क्या, 0.036 FCK XU इंटू बी बराबर 0.87 FYASTK, यही ना, यही स्टेप था। ठीक है, यही स्टेप था। यहां से आपको कैलकुलेट किसका मान करना है, XU का, तो 0.87 FYAST अपान 0.36 FCK इंटू BK। हो गया, स्टेप थर्ड हो गया। अगर स्टेप थर्ड हो गया फिर आगे देखते हैं स्टेप फोर, टू फाइंड सेक्शन, टू फाइंड सेक्शन, कौन कौन से सेक्शन बन सकते हैं, यक्स इक्वल टू यक्सी, तो क्या होगा, यहां पे यक्स यक्सी से नहीं, यहां पे कोरिलेशन किस में बनाया गया है, यक्सयू बराबर यक्सयू मैक्स के, तो सेक्शन कैसा होगा, बैलेंस सेक्शन। ठीक है, दूसरा XU इज ए ग्रेटर देन XU max, ठीक है XU max, तो कौन सा होगा, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। एग्जामिनर को अच्छे से सेटिस्फाई करना है इसलिए सारी चीजें बता दी जा रही हैं। आप कितने इकोनॉमिकल तरीके से, अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं और उसको देखते हैं। XU max तीसरा क्या होगा, तो सेक्शन क्या होगा, ठीक है, यहां पे नोट करके लिख दिया जाता है, एक नोट है, नोट क्या है कि लिमिट स्टेट मेथड में, इन लिमिट स्टेट मेथड
इज नॉट अलाउ, इज नॉट अलाउ ओवर रीइंफोर्सेशन, अगर जब भी सेक्शन ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हो जाएगा, एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स होगा, तो उस कंडीशन में हम उस सेक्शन को क्या मानेंगे, बैलेंस सेक्शन मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन अलाउ नहीं है लिमिट स्टेट में, इसलिए क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे। ठीक है, हो गया तो स्क्रीनशॉट लें और थम्स अप करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, धनराज और कहाँ हैं बच्चे, तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ हैं? नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन सा स्टेप है? 5 टू फाइंड mu मोमेंट का मान। पहली कंडीशन क्या है, xu इक्वल टू xu मैक्स है, तो क्या है सेक्शन, बैलेंस है, यही ना कंडीशन कहती है। और अगर xu इज ग्रेटर देन xu मैक्स है तो कंडीशन क्या होती है, ओवर होगी। ओवर रीइंफोर्स सेक्शन होगी, बट क्या करते हैं, ओवर होती है दोनों के लिए, बट दोनों में क्या किया जाता है, अलाउ क्यों नहीं किया जाता, लिमिट स्टेट में ओवर क्यों नहीं अलाउ किया जाता है, कि लिमिट स्टेट किस लिए डिजाइन किया गया है, कि मिनिमम स्टील प्रोवाइड की जाए। और ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में क्या है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि ओवर मतलब अधिकता, किस चीज की अधिकता होती है, हम किस पे पूरा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, स्टील थ्योरी पे काम करते हैं। और स्टील थ्योरी कहती है कि जितनी जरूरत हो उतना ही स्टील प्रोवाइड किया जाए, उससे अधिक अगर बना रहे हैं आप। एक बेसिक सा किसका कमेंट था, ये राहुल जी का, राहुल जी हमें ये बताइए कि डॉक्टर और इंजीनियर में क्या फर्क होता है, बेसिक डिफरेंट बता दीजिए, आपको सेटिस्फाई हम करेंगे। नहीं, डबल वन हमें पता, हाँ 199 पूछे हमसे। हमारे कनेक्ट करिए, हो गया।
कनेक्ट हो गया आप लोगों का? कनेक्ट हो गया? थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम चल रही है। हम लोग जहाँ से लाइव क्लास दे रहे हैं अभी फ़ोन से ही सभी सारी चीज़ें हो रही हैं। ब्रॉडबैंड के लिए सोचा जा रहा है, ब्रॉडबैंड मिल जाए, थोड़ा सा लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, समस्या बढ़ती ही जा रही है, जैसे ही सलूशन होता है आते हैं टॉपिक क्लियर करते हैं। नेट की प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा देख लेते हैं टॉपिक को क्लियर करके खत्म करते हैं। एक्स यू बराबर एक्स यू मैक्स बैलेंस सेक्शन, एक्स यू इज ग्रेटर, दोनों सेक्शन के लिए आप क्या मानते हैं? दोनों को अगर एक्स यू ग्रेट बराबर है तो बैलेंस, अगर एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स है तब हम तब भी उसे किस तरीके से मानते हैं? बैलेंस सेक्शन मानते हुए ट्रीट करते हैं। तो बैलेंस सेक्शन मानते हुए ट्रीट करते हैं तो एम यू का फार्मूला क्या होगा? 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी डी इंटू जेड के इंटू जेड। जेड क्या होता है? लीवर आर्म। जेड बराबर लीवर आर्म होता है तो एम यू बराबर क्या हो गया फार्मूला? 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी इंटू बी जेड का मान होता है डी माइनस वाई बार। यही ना, यही फार्मूला जनरेट हुआ था। ठीक है, वाई बार बराबर क्या होता है मान? 0.42 इंटू डी के। ठीक है, स्टेप हो गया। इसमें दूसरी कंडीशन कहती है एक्स यू इज लेस देन हो सकता है एक्स यू मैक्स। तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन क्या बनेगी? अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। 10 नंबर में कभी कभी यही स्टेप पूछता है। कहता क्या है? कहता क्या है कि कहता क्या है कहता क्या एकल प्रबलित कंक्रीट खंड के अभिकल्पन के चरणबद्ध तरीके लिखें। तो यही चरणबद्ध तरीके हैं, एकल कंक्रीट खंड के चरणबद्ध, एकल कंक्रीट के धरन के अभिकल्पन के चरणबद्ध तरीके लिखें। तो यही चरणबद्ध तरीके हैं। ठीक है, आप इधर उधर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन हमारा मानना ये कंफर्ट है। ठीक है, इस कंडीशन के लिए एक्स यू अगर ग्रेट वो अंडर सेक्शन बनेगा तो एम यू बराबर क्या हो जाएगा? 0.87 एफ वाई ए एस टी एफ वाई ए एस टी एफ वाई ए एस टी ए एस टी इंटू जेड के। तो एम यू बराबर हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू जेड का मान डी माइनस वाई बार, डी माइनस वाई बार। यही हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंगली रीइंफोर्स का आज प्रॉब्लम हो गई, क्वेश्चन इस पे अभी करते हैं। दीवाना जी, मैकेनिकल का मेरे पास कोई अभी स्टाफ नहीं है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं मैकेनिकल के कुछ अपने मित्रों से, अगर मिल जाते हैं तो स्टाफ। तो आपको क्लासें दी जाएंगी इस लॉकडाउन में, जो जहां पे है वहां पे ही। सिविल के ही कोई स्टाफ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से सिविल की भी क्लासें नहीं मिल पा रही हैं लॉकडाउन में, जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। तो आज हो गया इतना, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं। कॉपी पेन आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन लिखिए। नेट की प्रॉब्लम है, संडे का वो भी उपयोग कर रहा है कि गुरुजी आप संडे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक आयताकार एकल प्रबलित कंक्रीट धरन का परिच्छेद, एक आयताकार एकल प्रबलित कंक्रीट धरन का परिच्छेद
आरसीसी की क्लास लेने से पहले आपके पास कॉपी पेन कैलकुलेटर इतनी चीजें होनी चाहिए। एक आयताकार एकल प्रबलित कंक्रीट धरन का परिच्छेद 200 mm गुड़े 400 mm, 200 mm गुड़े 400 mm इन ब्रैकेट लिख लीजिएगा प्रभावी गहराई, इन ब्रैकेट प्रभावी गहराई। एक आयताकार एकल प्रबलित कंक्रीट धरन का परिच्छेद 200 mm गुणे 400 mm इन ब्रैकेट प्रभावी गहराई है। इसके तनन क्षेत्र में 20 mm व्यास की, इसके तनन क्षेत्र में 20 mm व्यास की तीन छड़ें डाली गई हैं, 20 mm व्यास की तीन छड़ें डाली गई हैं, 20 mm व्यास की तीन छड़ें डाली गई हैं, ठीक है। कंक्रीट M15 और इस्पात Fe250 ग्रेड का है। धरन का सीमांत अवस्था विधि द्वारा प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करें। धरन का सीमांत अवस्था विधि द्वारा प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करें, प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करें, ठीक है। नोट हो गया सबका? नोट हो गया हो तो थम्स अप करें। पहला स्टेप क्या होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से? गिवन डाटा ना, तो गिवन डाटा और साथ में उसके साथ हम फिगर बनाते चलेंगे, फिगर बनाते चलेंगे। तो क्या दिया है? एक आयताकार कंक्रीट परिच्छेद दिया है, साइज दिया है क्या 200 mm गुणे 400, फिगर बना लेते हैं। यही तो बीम है, 200 mm क्या है बी, और 400 mm प्रभावी दिया है, तो जहां तक स्टील डाली गई वहां तक कितनी स्टील डाली गई है, तीन स्टील डाली गई है। उसके सेंटर तक क्या दिया है? प्रभावी गहराई दिया है 400 mm, प्रभावी गहराई दिया है 400 mm। और एएसटी क्या दिया है? एएसटी बराबर क्या दिया है? थ्री नंबर एट द रेट कितने mm के डाया है? एट द रेट 20 mm 5R, ठीक है। हो गया, फिगर बन गया। चाहिए गिवन डाटा में देखते हैं क्या दिया है। B बराबर 200 mm, D बराबर d प्रभावी दिया है तो इसलिए स्मॉल d दिया हुआ है, स्मॉल d बराबर 400 mm। AST बराबर क्या होगा? π/4 φ² × नंबर ऑफ बार के, ठीक है। तो AST का मान क्या होगा? π/4 × φ² 20² × 3 कैलकुलेट कर देंगे तो AST का मान बताइए AST का 942.47 mm² के, ठीक है। हो गया,
यम ट्वेंटी दिया है, तो यम ट्वेंटी दिया है, नहीं सॉरी क्वेश्चन में यम ट्वेंटी नहीं दिया है, यम पंद्रह दिया है, यम पंद्रह दिया है, तो यफ सी के बराबर क्या होगा, यफ सी के बराबर क्या होगा, एफ सी के का मान क्या होगा, 15 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। और एफ ई 250 दिया है, एफ ई 250 के लिए एफ वाई बराबर क्या होगा, 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, हो गया, गिवन डाटा नोट हो गया है, गिवन डाटा नोट हो गया है, तो फिगर नोट हो गया है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। गिवन डाटा इसलिए सारी चीजें एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन के समय आपको पेपर बार बार नहीं पलटना पड़ेगा और लाइनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। पेपर के टाइम पेपर जो होगा, क्वेश्चन जो होगा, 4 से 5 लाइन का होगा, तो एक बार एक जगह पढ़ के आप नोट कर लेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। ठीक है, आते हैं, ठीक है, नोट हो गया। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, टू फाइंड एक्स यू मैक्स, टू फाइंड एक्स यू मैक्स, टू फाइंड एक्स यू मैक्स, एक्स यू मैक्स का मान अभी कि क्या बताया गया, फॉर एफ ई 250 के लिए क्या बताया गया, एफ ई 250 के लिए क्या बताया गया, एक्स यू मैक्स का मान क्या बताया गया, एक्स यू मैक्स का मान क्या बताया गया, बताइए बताइए, बोलिए, काहे नहीं बोल रहे हैं, अरे दुबे जी बोलिए, एक्स यू मैक्स का मान क्या बताया गया था, 0.53 इंटू डी, एक्स यू मैक्स बराबर क्या हो गया, यहां पे कैलकुलेट कर दीजिए, 0.53 इंटू 400 इंटू 400, क्या मान आया, 212 mm आ गया, एक्स यू मैक्स का मान आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, टू फाइंड क्या स्टेप होगा, एक्स यू का मान, मतलब ए एन ए का मान, ए एन ए ना, स्टेप के अकॉर्डिंग ए एन ए, सी यू बराबर टी यू के, सी यू बराबर टी यू के फार्मूला क्या होता है, 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी बराबर 0.87 एफ वाई ए एस टी के, यहां से XU बराबर 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू BK, हो गया, हो गया, कैलकुलेट कीजिए, 0.87 गुड़े FY का मान क्या दिया है, 250 गुड़े AST का मान क्या कैलकुलेट हुआ था, AST का मान 942 था, 942.47 था, उसे 43 भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के का मान क्या दिया है, 15 गुणे बी का मान क्या दिया है क्वेश्चन में, 200 mm दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए और एक्स यू का मान बताइए, एक्स यू का मान क्या आएगा, जी जी सार्थक जी आपका कमेंट देख रहे हैं, वन एट्टी नाइन आ रहा है, राहुल जी आपका 164 आ रहा है, कमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों का 189 आ रहा है, तो राहुल जी आपका कैसे आ रहा है, 164, जिसका बहुमत ज्यादा है उसी का आंसर मान ले रहे हैं हम, 189.90 जो भी है, 189.90 mm क्या आ गया, ये मान आ गया, ठीक है, ये मान आ गया,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप कर दीजिए। बच्चा लोग को आरसीटी पढ़ना है, सर्वे भी पढ़ना है, टी भी पढ़ना है। बताइए इस लॉकडाउन में कुछ हो नहीं पा रहा है आप लोग। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फोर टू फाइंड सेक्शन, टू फाइंड सेक्शन। सेक्शन क्या है? एक्स यू का मान क्या आया? 189 आया, 0.90 mm। और यक्स यू मैक्स का मान क्या आया? यक्स यू मैक्स का मान क्या आया था? 212 mm। ठीक है, 212 mm। ठीक है, तो सेक्शन क्या बना? यक्स यू मैक्स इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन यक्स यू, तो क्या हो गया सेक्शन? अंडर रीइंफोर्स, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। ठीक है, सेक्शन पता चल गया अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है। ठीक है, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। नेक्स्ट स्टेप फाइव, टू फाइंड एमयू। ठीक, कैसे? कंडीशन क्या है? एक्स यू मैक्स इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन एक्स यू, तो सेक्शन कैसा है? अंडर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? एम यू बराबर 0.87, 0.87 एफ वाई, 0.87 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस वाई बार। ठीक है, डी माइनस वाई बार, यही तो फार्मूला है। यहाँ साइड में हम निकाल लेंगे वाई बार बराबर क्या होता है? 0.42 इंटू यक्स यू का। ध्यान यहाँ पे क्या रखेंगे? जो भी मान यक्स यू और यहाँ पे यक्स यू मैक्स में से जिसका मान अधिक होगा, जिसका मान ग्रेटर होगा, वही यक्स का मान होगा। पुट यम के मान में क्या रखेंगे? वही उसका मान पुट करेंगे। ठीक है, किसका मान? जिसका मान अधिक होगा उसका मान कैलकुलेट करके हम रखेंगे। सिंपल सा लैंग्वेज कि हम कब ग्रेटर रखेंगे, कब लेस वाला रखेंगे, ये ना समझिए। जिसका भी मान अधिक होगा, चाहे तो यक्स्यू का मान है तो अधिक तो यक्स्यू रखेंगे, और यक्स्यू मैक्स का मान अगर अधिक है तो हम यक्स्यू मैक्स का मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वाई बार निकालते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो वाई बार बराबर क्या हो गया? 0.42 इंटू यक्स्यू का मान क्या है? 212। तो वाई बार बराबर क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करने के बाद ये क्या मान आएगा? 89 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, बेसिक चीज यहाँ पे यही समझने की चीज है। क्वेश्चन में गलती थोड़ी सी, ये मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हमें एक्स्यू और एक्स्यू मैक्स में से किसका मान लेना है? जो बड़ा होगा उसका मान हमें एमयू के वैल्यू निकालते समय पुट करना है, वाई बार बराबर निकालते समय। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले में रख दीजिए, फार्मूले में रख दीजिए। एमयू बराबर क्या हो गया? एमयू बराबर 0.87, एफ वाई का मान 250 इंटू एएसटी का मान क्या था? 942 समथिंग था, तो हमने उसे क्या कर लिया? 943 कर दिया इंटू डी। डी का मान क्या है? 400 माइनस 89 के। ठीक है, ठीक है, एमयू बराबर कैलकुलेट कर दीजिए, इसको क्वेश्चन पूरी सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा?
क्या मान आएगा, कोई कैलकुलेट करके बताएगा मुझे? कमेंट करिए। एमयू का मान किसका, अंशु मान यादव का कितना आ रहा है भैया? अंशुमान जी, पहले तो आपका उत्तर गलत है, दूसरी बात आपका यूनिट गलत है। किलो न्यूटन पर एम का मात्रक क्या होता है, अभी बताते हैं। ठीक है, 65 समथिंग आ रहा है। अंजलि जी, अंजलि जी का आंसर लगभग कुछ सही आ रहा है। ठीक है, चार बाबू का भी सही है, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 65 शिवानी, 65 नहीं आएगा, कैलकुलेट कीजिए फिर से। हाँ, 63, अंकित सिंह का 63, एक्चुअल आंसर अभी तक आया 63.71 किलो न्यूटन मीटर होगा, किलो न्यूटन अंकित मीटर होगा। ठीक है, अभी सही 63 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, लगभग किसी का कोई इशू नहीं है कि गलत है। 63 दशमलव समथिंग आ गया, कोई दशमलव के बाद का अंक लिया होगा, कोई नहीं, आंसर नहीं मैच कर रहा है तो कोई को किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा कैलकुलेशन करने के बाद हमने राउंड फिगर में या किया कुछ भी कर दीजिए तो 40 लिया होगा, उसका 63 दशमलव समथिंग ये आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो यही आ रहा होगा, जिसने 942 लिया होगा, 63, 63, 71, 92, 35 की न्यूटन एमएम आ रहा होगा, न्यूटन एमएम आ रहा होगा। तो देखिए, 3 इधर 3 इधर, तो इसको कन्वर्ट कर दिया, एमयू बराबर क्या हो जाएगा, एमयू बराबर 63.71 × 71 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर मात्रक मोमेंट का क्या होता है, किलो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, हो गया? अगर हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी किसी तरीके का कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है कॉन्सेप्ट, आपका स्टेप मार्किंग सही होना चाहिए, एग्जामिनर को स्टेप पता होना चाहिए कि आपने स्टेप मार्किंग सही की है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कैलकुलेशन कहीं भी थोड़ी मदर इधर हो सकती है, आंसर का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए, ये चीजें चीज का आप बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैकेनिकल का दीवाना जी, कोई स्टाफ नहीं है हमारे पास, इसलिए आपको नहीं मिल पाएगी अभी क्लास, बातचीत चल रही है, जैसे ही कोई राजी होता है पढ़ाने के लिए मैकेनिकल के लिए तो हम लोग पढ़ा सकते हैं, हम सिविल के टीचर हैं तो आप कहेंगे हम पढ़ा सकते हैं, आपका मॉस वॉस पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी देनी है, पढ़ाने को पढ़ा दिया जाएगा, क्वालिटी नहीं दे सकते, इसलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो देनी पड़ेगी। रामायण ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया तो उससे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है? धनराज, सोती हुई आत्मा, 2 साल बाद आंसर बता रहे हो, इतनी देर में पता नहीं कितने लोगों की बैक लग जाएगी अगर इतने देर करोगे तो। ठीक है, ठीक है, हो गया, नोट हो गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई और ब्रीफ में देख लेते हैं, सिंगली में, सिंगली की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सिंगली में 3 तरीके की टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम 3 टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है कि 3 तरीके के इक्वेशन, 3 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या थी, हमें एमयू का मान निकालना था, क्या निकालना था, एमयू का मान निकालना था, बी दिया था, डी दिया था, ये सब चीजें दी हुई थी, हमें क्या सॉल्व करना था, एमयू का मान कैलकुलेट करना था।
दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने को दे सकता है, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने को दे सकता है। और तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बी और डी का मान कैलकुलेट दे सकता है, उदाहरण की लंबाई। जब बी और डी का मान दे देता है तो वो डिजाइन का क्वेश्चन हो जाएगा, जिसे अभी आगे बढ़ के हम लोग कराएंगे। सिंगली डब्ली टी पढ़ लेंगे तो हम डिजाइन ऑफ बीम करेंगे, तो उसके साथ ये पढ़ेंगे, ठीक है। और ए एस टी की प्रॉब्लम अगर पूछता है तो यही कोई स्टेप आगे चला जाएगा, कोई स्टेप पीछे चला जाएगा, और इसी पूरे स्टेप पे जो 5 स्टेप बताए गए हैं, किसी का सीक्वेंस ऊपर जाएगा, किसी का सीक्वेंस नीचे आएगा, और सेक्शन को हम बैलेंस मानते हुए हम ए एस टी को भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। किसी तरीके की प्रॉब्लम क्या निकालने को आ सकता है, एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एमयू का मान कैलकुलेट करना, दूसरा एएसटी का मान कैलकुलेट करना, तीसरा सेक्शन की मान बी और डी कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, मेरे जो स्टेप हैं वो कभी दूसरा स्टेप उधर आगे जाएगा, कुछ नीचे जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सारी चीजें वही रहेंगी, कुछ अलग नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, एक दिन में एक टॉपिक इसी तरीके से धीरे धीरे पढ़ा जाएगा, हो जाएगा सब कुछ। एक चीज आप लोगों से पूछनी है कि आप लोग बताइए क्या संडे को क्लास चलाई जाए, थोड़ा बहुत रेस्ट देंगे। अगर हमारी राय पूछेंगे तो हम अपना बताएंगे या आप नहीं बताएंगे, नेट अगर चलता है तो अभी एक क्लास। हमारा मानना है संडे के दिन में कि आपको आरसीसी और आरसीसी ड्राइंग आपको डेली मिल रही है, मंडे टू हफ्ते के सैटरडे तक, ठीक है। जो संडे का टाइम मिलता है, एक लेक्चर बनेगा 2 घंटे या 2.5 घंटे या किसी भी समय का, जो आप लोगों की डिमांड है। टी की एक ऑफलाइन क्लास जा रही है ना, टी की एक ऑफलाइन क्लास जा रही है कि नहीं जा रही है, आप लोग टी की क्लास देख रहे हैं, टी की एक ऑफलाइन क्लास जा रही है आप लोगों के लिए नोट्स के रूप में, आप लोग देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो ठीक है, देख रहे हैं तो उस वीडियो को उधर से देखिए, अन्यथा की स्थिति में हमारा प्लान जो बन रहा है, संडे के दिन में आपको सर्वेइंग और टीई की क्लास दी जा सकती है, सर्वेइंग और टीई की क्लास दी जा सकती है। हमको थोड़ा सा बर्डन कम मिलेगा तभी तो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो कोर सब्जेक्ट आरसीसी और आरसीसी ड्राइंग है, ठीक है। सर्वेइंग और वेइंग हम कम पढ़ाते हैं, सर्वेइंग और वेइंग तो हम कम पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों के डिमांड की वजह से। ये दीवाना जी कौन है भाई, लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखें। और हाइड्रोलिक्स इस सेमेस्टर में कहाँ है, जो आप हाइड्रोलिक्स पढ़ने आ रहे हैं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत करें। कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी इज्जत बेच के पढ़ाने के लिए आया है, तो इसलिए शब्दों का सही प्रयोग करें। ठीक है, सर्वेइंग की क्लास और टी की क्लास आप ऑफलाइन देख सकते हैं। टी में कुछ नहीं है, टी में कुछ भी नहीं है, आप लोग इतना ज्यादा परेशान है जिस हिसाब से, टी में कुछ भी नहीं है। टी में क्या है, कुछ भी नहीं है। टी में आपको टाइप्स ऑफ रोड कितना है, 2 पेज का तो आप इसी पे लिखेंगे। टाइप्स ऑफ रोड बताएंगे कोई, टाइप्स ऑफ रोड कितना है, टाइप्स ऑफ रोड
कौन कौन से? साधना जी छह टाइप्स के, रागनी पांडे दो, क्या बात है। आईआरसी के अनुसार, आईआरसी के अनुसार इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार जिसका गठन कब हुआ था, 1934 में हुआ था, उसके अनुसार टाइप्स ऑफ रोड पांच तरीके के होते हैं। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एसएच, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे ओडिया, एमडीआर, एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और ओडीआर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, पांच तरीके के रोड बताए गए हैं आईआरसी के अनुसार जिसका गठन 1934 में किया गया था। ठीक है, पांच तरीके के रोड बताए गए हैं आईआरसी 1934 के अनुसार। एक बाद में फिर से अलग से इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा एक रोड बनाई गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक सड़क योजना चलाई गई थी। ओवर हो रहा है। ठीक है, नेशनल हाईवे को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, ठीक है, फोर बेस पे क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे से आप लोगों को किसकी क्लास मिलेगी? नेक्स्ट संडे को आपको जो क्लास मिलेगी सर्वेइंग की मिलेगी और टीई की मिलेगी। ठीक है, सर्वेइंग की क्लास संडे संडे चलेगी और आपकी जो क्लास है आरसीटी और आरसीटी ड्राइंग की रहेगी। ठीक है, आरसीटी और आरसीटी ड्राइंग की रहेगी। ठीक है, अब आप लोगों को कोई दिक्कत? माइल्ड स्टोन के कारण से, नेशनल हाईवे का माइल्ड स्टोन क्या होता है? जिसको जीएफ से बात करनी है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, वो कहां है क्लास दे रहा है, हम पकड़ के तो ला नहीं रहे हैं। अभद्रता की इतनी अच्छी क्लास चला रहे हैं आप लोग, मतलब जो थोड़ा सा पढ़ाना भी चाहे ना दिल टूट जाए। सिविल इंजीनियरिंग डीएसएमएस की क्लास कब होगी? डीएसएमएस भी पढ़ाया जाएगा, डीएसएमएस की भी क्लास हम ही लेंगे, तो आपको थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा, दो चार दिन का डीएसएमएस के लिए वेट करना पड़ेगा, डीएसएमएस की भी क्लास मिलेगी आपको। रोड के बीच में बना होता है माइल्ड स्टोन आंचल जी, कि साइड में बना होता है? नहीं, अब ड्राइंग नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा आराम करने दीजिए। ग्रीन व्हाइट होता है नेशनल हाईवे का? आप लोगों की महानता को हम चरण स्पर्श करते हैं। नेशनल हाईवे का माइल्ड स्टोन जो होता है, समझ लीजिए, अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए क्या बातें हैं। नेशनल हाईवे का कलर क्या होता है? पीले कलर का, येलो कलर से होता है माइल्ड स्टोन। स्टेट हाईवे का हरे कलर से होता है, स्टेट हाईवे का हरे कलर से होता है। एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड रेड कलर से, ओडीआर गुलाबी या नारंगी कलर से, विलेज रोड सफेद, पूरा माइल्ड स्टोन सफेद कलर का होता है। कम से कम रोड के टाइप को समझिए और रोड को समझिए। ठीक है, नेशनल हाईवे येलो, स्टेट हरे कलर से, एमडीआर रेड गुलाबी और सफेद व्हाइट कलर का, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बताया सर,
रोड के नीचे जिस पे नेशनल हाईवे लिखा रहता है वो होता है, और उसके साथ किसी रोड के एक माइल्ड स्टोन यहाँ पे है, हर 5 किलोमीटर के बाद एक बड़ा माइल्ड स्टोन होता है जिसकी साइज उन माइल्ड स्टोन से बड़ी होती है, उस माइल्ड स्टोन से बड़ी होती है जिस पे पूरी दूरी लिखी रहती है, जहां से रोड स्टार्ट होती है वहां से और एंड पॉइंट तक की दूरी लिखी होती है माइल्ड स्टोन पे, जो 5वें किलोमीटर हर 5वें किलोमीटर के बाद मिलता है, ठीक है। रेड कलर से वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर, ठीक है। ये कुछ लोगों को अभद्रता के चक्कर में हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। यस सर, ये सेठ शिव सदा शिव, कर रहे हैं तत्पर नहीं है, ठीक है, छोड़िए, आज आप लोग आहत कर दे रहे हैं हमको। और भी किसी को कुछ करना है? इतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लॉकडाउन में क्लास हम लोग कहाँ से आके पढ़ा दे रहे हैं, किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो जहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। हम लोग घर नहीं जा पाए हैं इस लॉकडाउन में, जहाँ पे हैं वहीं पड़े हुए हैं। आप लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, छोड़िए, चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो लोग क्लास में पढ़ना चाहते हैं वही आए हमारे चैनल पे, किसी तरीके का मुझे ये लोभ नहीं है कि आप लोग फालतू का किसी तरीके का वो, ठीक है। सिर्फ लॉकडाउन होने की वजह से हम लोगों का टाइम पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से न्यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोगों को टाइम अपना न्यूटिलाइज करने के लिए आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? जब किसी धरन में संपीड़न तथा जब किसी धरन खंड में संपीड़न तथा तनन क्षेत्र दोनों में इस्पात का प्रयोग किया जाए तो इस प्रकार के धरन खंड को दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड कहते हैं। कॉन्सेप्ट से परिभाषा हम लोग वर्किंग स्ट्रेस पढ़ रहे थे तब हमने इसकी बात कर ली थी, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे? लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करेंगे दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड। हम लोग डबली पढ़ेंगे सीयर एंड, आपके जो बुक होगी आपके पास इसके बाद बॉन्ड लेंथ, सीयर एंड बॉन्ड लेंथ बाद में पढ़ेंगे। दो लोगों को किया है सीयर एंड बॉन्ड लेंथ लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? सिंगली पढ़े हैं, सिंगली के बाद डबली पढ़ेंगे, डबली के बाद टी पढ़ेंगे, टी के बाद चैप्टर आएगा सीयर, क्योंकि सिंगली डबली और टी एक ही स्टेप मार्किंग पे एक ही कॉन्सेप्ट के खत्म किया जाएगा। तो आप लोग ये नहीं हो खोजिएगा कि सर ने ये सीयर एंड बॉन्ड लेंथ चैप्टर छोड़ दिया और 7वां 8वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, तो इसलिए अब किसी तरीके का कुछ नहीं, आप लोगों को सिंगली पढ़ा दिया गया डब्ल्यू टी। जैसे सिंगली डब्ल्यू टी खत्म होता है फिर एक ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ लिंटर, डिजाइन ऑफ स्लैब, तीन टॉपिक एक ही कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तीन को एक कॉन्सेप्ट पे ये तीनों, एक कॉन्सेप्ट पे ये, फिर एक टॉपिक लास्ट का बचेगा कॉलम, जो एक कॉन्सेप्ट उसका अलग होगा। काफी चीजें आज उस पे कॉलम पे बात की जा चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धनराज अपने सारे क्लासमेट से कह दीजिए कि क्लास रेगुलर ले लें, सारे बच्चों को, जिनको भी रिवाइज की प्रॉब्लम है, जिसको भी जो करना है, जिसको भी जो करना है, ठीक है, सबसे कह दीजिए कि ये रेगुलर क्लास ले लें, रेगुलर क्लास ले लें, किसी की कोई जो भी ऑनलाइन क्लास ले रहा है किसी की बैक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पेपर होगा, ये किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि पेपर नहीं होगा, ये बीटीई बोर्ड है, कभी भी पेपर करा सकती है। 2012 का पेपर पैटर्न होगा तो आप देखेंगे 2012 में अगस्त में पेपर कराया था किसी कारणवश। ठीक है, तो आप ये बिंदा रहिए कि नहीं कि आप पेपर नहीं होगा, अगर पेपर नहीं होगा तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे क्यों आए हैं ऑनलाइन। ठीक है, पेपर होगा, सारी चीजें होंगी, आप लोग क्लियर रहिए। और आरसीसी को इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि आरसीसी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हैं आरसीटी के, आरसीटी जिसने सही से पढ़ी तो उसमें क्या मिलेगा आपको, सीटी मिलेगी, सीटी के साथ बीसीएमई का भी कुछ टॉपिक मिलेगा। ठीक है, बीसीएमई मिलेगी, मैकेनिक्स भी मिलेगा, और सोम का भी पार्ट मिलते हैं, तो आरसीटी सीटी और कई सब्जेक्ट इसमें कोरिलेट कर जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कि किसी को और कुछ पूछना है, और अगर कल से कोई भी बदतमीजी करेगा तो क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आप लोग बदतमीजी करेंगे तो ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं मिल पाएगी आपको। ठीक जैसा होता है अभी आपको देखा जाता है, अगर आपको नेट प्रॉब्लम थोड़ी सी सही चलती है तो शाम में भी सर्वे या सर्वे का इंट्रोडक्शन क्लास शाम में हो सकता है दिया जा सकता है। ठीक है, शाम में नोटिफिकेशन दे दी जाएगी आपको। शाम में जैसा होगा नोटिफिकेशन आपको दे दी जाएगी अगर सर्वे की क्लास चलेगी तो। ठीक है, इंट्रोडक्ट की। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। प्रतापगढ़ वाले खिला ही नहीं रहे हैं मुझे अचार, हम आंवले के अचार के लिए परेशान हैं, ये लोग प्रतापगढ़ वाले खिला ही नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।